और जब पैर छापने आया ही था तो सबसे मिलके जाता, सबसे बातचीत करता, सबको बताता मैं सुखी हूं और मैं उस घर में हूं, उस माँ के पेट में हूं, ये जानवर बन गया या वो जानवर बन गया। मरने के बाद एक कमरे में अगर राख रख देते हैं 13 दिन तक और 13 दिन बाद देखते हैं तो वहां किसी के पैर छपे हुए मिलते हैं। ऐसी कहानी बचपन में बहुत बार सुनी मगर कभी देखी नहीं। झारखंड से एक दर्शक का मैसेज आया कि कृपया इस पर वीडियो बनाएं। पहला तो सवाल यह है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है और वहां एक राख को रख देते हैं, फर्श पर बिछा देते हैं या कहीं रख देते हैं बर्तन में, तो 13 दिन बाद या 30 दिन बाद या 20 दिन बाद उस पे कोई पैरों की छाप आती है, तो पैरों की छाप आती है तो वो क्या मैसेज दे देती है और वो कैसे आती है और वो भारत में ही क्यों आती है और वो सिर्फ मनुष्य के लिए ही क्यों आती है, यानी पैरों की छाप आती है तो वो बाकी जो प्राणी उनके लिए भी आए, और जो दुनिया में सारे मजहब या सारे धर्म या रिलीजन मानने वाले लोग हैं उनके यहां ऐसा कुछ है नहीं तो उन्हें पता नहीं चलता, और पैरों की छाप भी क्यों आती है, पढ़ा लिखा व्यक्ति मरता है तो नाम लिख दे, अपना एड्रेस लिख दे। और अगर हम इस बात को माने कि भाई कोई व्यक्ति मरा है और वो कहीं जाके जन्म ले रहा है तो अभी तो वो जन्म का भ्रूण ही है, 13 दिन में तो कितना बड़ा होता है, 2 सेल 10 सेल 20 सेल का होता है, तो वो कैसे चल के आ गया, कैसे उसने वहां पैर छापे, कैसे नहीं आया, और जब पैर छापने आया ही था तो सबसे मिलके जाता, सबसे बातचीत करता, सबको बताता मैं सुखी हूं और मैं उस घर में हूं, उस माँ के पेट में हूं, ये जानवर बन गया या वो जानवर बन गया। और जानवर भी जो बनता है वही बनता है राख से जो लोगों ने देखा हुआ है। किस किस का जिक्र करते हैं, या तो किसी पक्षी का जिक्र करते हैं कि पक्षी के पैर हैं, या किसी जानवर के पैर का, या किसी मनुष्य के पैर का जिक्र करते हैं, इतने जिक्र आते हैं। जो समुद्र में मछली है उसका कहीं कोई जिक्र आज तक नहीं आया कि मछली के, क्योंकि मछली के तो पैर ही नहीं होते, तो पैर ही नहीं होते तो फिर कैसे कोई कहेगा कि मछली बना। और जो ये कीट पतंगे छोटे छोटे हैं, सांप हैं, सरपने वाले हैं, कांतर हैं, बिच्छू, इनका तो कैसे आप आकलन करोगे, इनके पैर नहीं होते कि ये बना या नहीं बना। तो ये जो बातें चलती हैं इन बातों में लोग तर्क नहीं करते, थोड़ा भी अगर सोच लेते, थोड़ा भी अगर समझ लेते, इतनी बड़ी साइंस हो गई है, दुनिया एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा रही है, ये जो थ्योरी है अगर इसको प्रैक्टिकल में सच में अगर ये होती तो अब तक तो साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने इसको खोज लिया होता। तो बेसिकली होता क्या है, आप आदमी मरे या ना मरे उसे भूल जाइए, आप कहीं भी राख या कोई पाउडर या कुछ भी चीज कहीं रख दीजिए, छान कर एक साथ करके रख दीजिए किसी भी कमरे में कहीं भी, और उसको 10-15-20 दिन के लिए भूल जाइए। तो पृथ्वी की कंपन से, हवा के चलने से, उस कमरे में हवा के आने जाने से, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बदलने से वो जो राख या धूल है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन होता है तो वो कोई शेप लेता है, कोई आकृति लेता है, फिर हम अपने दिमाग से उस आकृति को मैच करते हैं। किसका मैच करते हैं, अब हमारे दिमाग में तो पहले ही घुसा हुआ है कि इस पे कोई छाप है तो हम ढूंढते हैं कि किसके पैर मिल रहे हैं, भाई किसी के मिलना मिले, चिड़िया के जरूर मिल जाते हैं, चिड़िया के पैर में होता ही क्या है, एक दो लाइन सी इधर उधर सी बन गई हल्की हल्की सी, वो कहते हैं चिड़िया के पैर है, वो तो गारंटेड है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थोड़ी और अच्छी कोई आकृति बन गई तो किसी और से मैच करते हैं, किसी और को देखते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में जो छपे हुए जानवर हैं उन्हीं के हाथ पर जो हमने देखे हैं उनसे होते हैं। हम शेर के पैर नहीं दिखाई देते हैं हमको, जो गेंडे के पैर हैं आज तक किसी ने बताया नहीं कि गेंडे के पैर कैसे होते हैं, उसकी तो छोड़ो कंगारू के पैर बताए किसी ने, कंगारू को तो देखा भी बहुत बाद में, ऑस्ट्रेलिया की जब खोज हुई है तब लोगों ने कंगारू को देखा है, जिराफ के पैर बताए किसी ने, पता ही नहीं जिराफ के पैर कैसे होते हैं। तो ये जो जानवर देखे नहीं, जिनको जानवर का पता ही नहीं, जो दूर दूर जानवर रहते हैं, जो हजारों प्रकार के जानवर हैं उनके पैरों का तो पता ही नहीं, तो भारत में वही पैर पाए जाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं हम
जो पहले हमने देखे हैं। यानी हमारा ब्रेन वही इमेज बना के देता है जो हम चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है? कारण साफ है कि अगर आप कहीं कोई संगमरमर का या मार्बल का पत्थर अगर कहीं लगा हुआ है तो उसको आप ध्यान से देखिए। जब आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखते 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 आपकी उसकी लकीरों में आपको कोई ना कोई आकृति दिखाई देगी, कोई मछली दिखाई देगी, कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई देगा, या कोई चेहरा दिखाई देगा, या कोई बंदूक दिखाई देगी। मतलब जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, जो आप देखना चाहते हैं, वैसे ही वो लाइनें मैच करनी शुरू हो जाती हैं। और हमको लगता है देखो ये आकृति तो उसमें ऐसी है, ये आकृति तो ऐसी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम मैच करके कहते हैं कि देखो ये इससे ये बन गया, देखो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। पत्थर को पास से देखेंगे तो आकृति कुछ और लगेगी, दूर से देखेंगे तो आकृति कुछ और लगेगी, बदल जाएगी बड़े में। इसलिए इसको दिमाग से निकाल दीजिए और भूल जाइए कि कोई व्यक्ति मरता है तो वो अपनी छाप छोड़ जाता है, ये इम्पॉसिबल है। कोई व्यक्ति अगर कोई मरा है तो उसके पास हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं और मर गया, जल गया, फूक गया या दबा दिया और जीवित नहीं है, मरा हुआ है, तो वो चलेगा कैसे, बताएगा कैसे? और कोई अगर दोबारा से जीव के पैदा होने की थ्योरी भी है तो वो तो अभी पेट में है, और अगर वो पेट में है तो वो अगर उसकी मेमोरी उसके पास रिकॉल होती है, मेमोरी से पता चलता है, तो जवान होगा, बड़ा होगा, कोई भी जानवर होगा या कोई भी जीव होगा, उसके बाद में कहीं आप ढूंढना कि वो मिलने आता है, ये अलग बात है। इसलिए इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ये मनगढ़ंत कहानियां भारत में बहुत चलती हैं ताकि लोग इसमें उलझे रहें, अपना समय इसमें लगाते रहें, इससे डरे रहें, और डर से और जो बिजनेस हैं वो चलते हैं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
ਸਨਿਚਾਰ ਬਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਕਾਮੇ ਸੁਮਿਚਾਰ ਬਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ।